जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं साइंस आपको पढ़ाऊंगा और ये आवर हाउसेस है। तो ये आवर हाउसेस का हमने पार्ट टू पढ़ना था, तो वो मैं आपको पहली वीडियो में पार्ट वन पढ़ा चुका हूँ, तो ये पार्ट टू में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रूफ्स ऑफ हाउसेस, घरों की छतें, कैन बी फ्लैट, फ्लैट हो सकती है, ये देखिए जैसे ये फ्लैट है, या स्लोपिंग हो सकती है, या स्लोपिंग जैसे ऐसे। फ्लैट रूफ्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज, बट इन अ प्लेस, लेकिन एक जगह में, वेयर इट रेन्स, जहाँ बारिश होती है और स्नो बहुत ज़्यादा होती है, वाटर एंड स्नो कैन, वाटर और स्नो कलेक्ट ऑन फ्लैट रूफ्स। हाउस इन सच प्लेसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। रूफ्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मटीरियल, डिफरेंट मटीरियल सच एज ग्रे स्लेट, टाइल्स, थैच, स्टील एंड मेटल्स। डिफरेंट मटीरियल सच एज ग्रे स्लेट टाइल्स, टाइल्स वो जो फर्श में रखती है, स्टील, स्टील जो होता है, मेटल्स। टू लिव अ हेल्दी लाइफ, सर्टेन थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, आवर हाउस शुड बी एंड केप्ट इन इन सच अ वे डैट वी गेट दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सनशाइन इज इम्पॉर्टेंट, सनशाइन ज़रूरी होती है, इट किल जम्स, ये जम्स को मारती है। वी शुड हैव विंडोज इन डायरेक्शंस, हमें विंडोज होनी चाहिए डायरेक्शंस में, फ्रॉम वेयर सनशाइन कैन कम, जहाँ से सनशाइन आ सकती है। क्लीन एयर इज नेसेसरी, क्लीन एयर ज़रूरी है। एयर गेट्स डर्टी, एयर गंदी हो जाती है। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, देयर शुड, वहाँ विंडोज होनी चाहिए, एंड वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर्स किसको कहते हैं, जो ऊपर वो छोटी छोटी विंडोज होती है, छोटी छोटी खिड़कियाँ, वेंटिलेटर्स फॉर फ्रेश एयर टू कम इन, वेंटिलेटर्स और फ्रेश फॉर फ्रेश एयर टू कम इन। वी शुड ग्रो ट्रीज एंड अदर प्लांट्स अराउंड आवर हाउस बिकॉज प्लांट्स क्लीन द एयर। ओपन स्पेस सच एज वेंडिराज एंड बालकनीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग सनशाइन एंड फ्रेश एयर। तो ये हमारा पार्ट टू कम्प्लीट हो गया, और अब पार्ट थ्री मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।